आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो टैंगी नमकीन। टोमेटो टैंगी नमकीन इसलिए मैंने इसको नाम दिया है क्योंकि ये टोमेटो प्यूरी से बनेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने इस बहुत ही चटाकेदार और चटपटी सी नमकीन को कैसे बनाया है। यहाँ पर मैंने ली है अदरक, 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, और ये हैं 7-8 हरी मिर्च, ज़्यादा तीखी नहीं है। और ये लिया है मैंने पुदीना, 100 ग्राम के आसपास होगा ये। तो पुदीने को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। और ये है टमाटर, 2 टमाटर लिए हैं मैंने, बड़े साइज के हैं, इनको हम पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मिक्सी में इसको पीस लिया है। और अब मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन और 1 कप मैदा, दोनों ही बराबर मात्रा में डाले जाएंगे, मैदा और बेसन। और यह है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, स्वाद के अनुसार। अब सभी मसालों को, नमक को अच्छी तरह से मिला देंगे। और जो हमने टमाटर पुदीना वगैरह पीसा था उसको हम धीरे धीरे करके डालेंगे। और हमने इसको सॉफ्ट डो तैयार करना है इसका। तो जितना भी टमाटर और पुदीना वगैरह हमने पीसा है वो लगभग सारा हमारा लग जाएगा। डो इसका सॉफ्ट रहेगा, जैसे रोटी का हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से उतना ही सॉफ्ट ये रहेगा। अब 2 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल, यानी 2 टेबल स्पून, और ऑयल को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने बाद में इसलिए डाला है ताकि ये हाथों में ज्यादा चिपके नहीं। अब ऑयल हमने इसमें मिला दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा मैदा लगाकर बेल लेंगे, सूखा मैदा लगाया है मैंने, तो जितना पतला हो सकता है उतना पतला आप बेल लीजिएगा। एक बार इसको जरूर बनाइएगा आप, क्योंकि बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट रही हूं मैं। हाँ, शेप अपनी मर्जी से आप कोई भी बना सकते हैं, मैं आपको जो बता रही हूं वो भी बना सकते हैं, और अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकते हैं आप। तो ऐसे हम पतली पतली, जितनी पतली हो सकेगी उतनी पतली पतली स्ट्रिप काट कर इसको ऐसे ही हम फ्राई कर सकते हैं, पतली पतली स्ट्रिप को। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे रोल कर रही हूँ, तो रोल करके भी आप फ्राई कर सकते हैं, और पतली पतली लंबी लंबी स्ट्रिप भी आप फ्राई कर सकते हैं। और भी आप अपने मन मुताबिक अगर कोई शेप बनाना चाहते हो तो कोई शेप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक उंगली के बीच में रखकर हम इसको राउंड करेंगे और अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए सभी शेप हमने बना ली है, अब करेंगे फ्राई। एक बार ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम को रखिएगा आप लो मीडियम, ये मीडियम और हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई की जाएगी, लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई की जाएगी, क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी बनाना है। तो फ्लेम को ना तो हमने मीडियम करना है और ना ही हाई। ज्यादा टाइम नहीं लेती है वैसे, ये जल्दी पक जाती है। शेप आप अपने हिसाब से मन मुताबिक जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो देखिए हमारी जो नमकीन है लगभग फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये कलर आ गया है अच्छा सा। इसी तरह से जो पूरी नमकीन है हमारी वो हम फ्राई कर लेंगे, लंबी लंबी स्ट्रिप हैं उनको भी आप फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए जो लंबी लंबी स्ट्रिप थी उनकी मैंने शेप नहीं बनाई, तो उनको भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया। तो शेप बनाना ना चाहते हो तो आप ऐसे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो दोनों शेप की नमकीन हमारी बनकर तैयार है। अब देखिए इसकी आवाज मैं आपको सुनाती हूँ, आवाज सुन पा रहे होंगे कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए इसको, महीनों तक आप रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं।